आपने जनरल जे जे सिंह को सुना, ए पॉलिटिकल बात उन्होंने की, कांग्रेस पार्टी पर या गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं, लेकिन 2006 की उस बातचीत का उन्होंने खुलकर जिक्र किया जहां पर उन्होंने बताया कि एनएसए और उन्होंने अपोज किया था, वरना सियाचिन को लेकर समर्पण के मूड में थी पाकिस्तान के सामने यूपीए सरकार। सुप्रिया जी, आपका जवाब। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैंने बड़े ध्यान से जनरल जे जे सिंह की बात को सुना। उन्होंने आर्मी को लीड किया है, उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से चुनाव भी लड़ा है, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन खैर, रिटायर्ड जनरल है, आर्मी के ऑफिसर है, उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और वो भी देश को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल बना था डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन का, ये 1989 में बना था। और उसके पहले मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 1984 में इंदिरा जी और राजीव जी की रजीम में ऑपरेशन मेघदूत के चलते हमने अपनी सॉवरनिटी दुनिया के हाईएस्ट ग्लेशियर सियाचिन पर जमाई थी, जो फख्र की बात है कि आज तक हमारा आधिपत्य और हमारी सॉवरनिटी उस ग्लेशियर पर बनी हुई है और इसमें कांग्रेस की सरकारें रही है। ये राजीव जी और इंदिरा जी की लीडरशिप के अंतर्गत हमने सॉवरनिटी जमाई थी, इतने बड़ा अपना आधिपत्य जमाया था। और सियाचिन चूंकि काराकोरम ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये बहुत बड़ी जीत थी अपने हाथ में और उस पर हमारा आधिपत्य बना है। 1989 का ये जो प्रपोजल था, इसको 2006 का जो उन्होंने उल्लेख किया, उसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके की 4 और 5 प्रमुख मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हिस्सा होते हैं, उन्होंने ये प्रपोजल खारिज कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया, और मैं लिखित में बता रही हूँ, टू नॉट नेगोशिएट विद पाकिस्तान ऑन सेटलमेंट ऑफ द ग्लेशियर। ये प्रपोजल था, प्रपोजल पर काफी वर्षों तक चर्चा हुई। अगर ऐसा ही था, अगर चर्चा ही गलत है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 से 2004 तक, उन्होंने प्रपोजल को क्यों नहीं खारिज कर दिया था? क्योंकि यह प्रपोजल था। एनएसए और आर्मी से हमेशा राय ली जाती है, इस सरकार को भी लेनी चाहिए, लेते तो हम उस मुकाम पर नहीं आते। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले दो ही बातें कहूंगी। मैं संबित पात्रा क्योंकि इस शो पर है नहीं, उनको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उनके जैसे लोगों की बात पर मैं यकीन नहीं करती हूँ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ और नफरत से भरा रहा है परिवार के खिलाफ। और मैं एक और बात ये कहूंगी कि आज जब देश चीन से लड़ाई लड़ रहा है, आज जब दुश्मन चीन बड़ा खड़ा है और हम सियाचिन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज द फोर्सेज आर कंसर्न, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज द रूलिंग पार्टी इज कंसर्न। जब तक उनको जवाब देने चाहिए चीन पर, बात कर रहे हैं सियाचिन की, जिसका आधिपत्य भी कांग्रेस की सरकार ने दिलाया था। और ये प्रपोजल फाइनली उन्होंने ही खारिज किया था कि हम कोई बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एनएसए और आर्मी से राय ली जाती है। 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? मैं आपको इनकार और इकरार नहीं कर रही हूँ। मैं आपको 1989 और 1984 की याद दिला रही हूँ कि कैसे सियाचिन हमारे आधिपत्य में आया। लेकिन आप 2006 वो भी जे जे सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे जे सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे जे सिंह साहब ने जिक्र किया, उन्होंने पूरी जानकारी दी, वो भी हमने सुनाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।